आए तो भाई अधेरा घना है, रोशनी चाहिए, दर्द भी जो सके रागनी चाहिए, अपनी पोलिंग जो हंस के जिता दे इंडिया गठबंधन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिलेश भैया जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। किस लिए हुआ है? बेरोजगारी के लिए इंकलाब पैदा हुआ है, शिक्षा के लिए इंकलाब पैदा हुआ है, नफरत के खिलाफ इंकलाब पैदा हुआ है, रोजगार के लिए इंकलाब पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार के लिए इंकलाब पैदा हुआ है। भाजपा शासन में बहुत से बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलाया और भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारी, ये PHU की छात्रा, उसके साथ बलात्कार किया गया और योगी आदित्यनाथ ने उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया। ये कैसा कानून है? वाराणसी में है और PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनके सामने अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त रैली भी है, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का साथ में है और लोग यहाँ पे हैं। हम बात करेंगे, कहाँ से भैया आप? हम लोग यहीं प्रॉपर बनारस के ही हैं, काशीवासी हैं। क्या माहौल है भाई? माहौल आपको क्या नजर आ रहा है पहले ये बताइए। भीड़ नहीं है, जनसैलाब का ये जनसैलाब है, इंकलाब कहिए। देश के अंदर इंकलाब हो गया है, देश के अंदर जनसैलाब हो गया है। और इंकलाब किस लिए हुआ है? बेरोजगारी के लिए इंकलाब पैदा हुआ है, शिक्षा के लिए इंकलाब पैदा हुआ है, नफरत के खिलाफ इंकलाब पैदा हुआ है, रोजगार के लिए इंकलाब पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार के लिए इंकलाब पैदा हुआ है। और ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये काशी का इंकलाब पैदा हुआ है, जो 500 रुपये और 1000 रुपये में नहीं आया है। इसमें से कोई गुजरात से नहीं आया है? गुजरात की भीड़ नहीं है, सब यहाँ के लोकल हैं और सब वोटर हैं। ID दिखाएंगे ये तो? हाँ भैया, भैया उस प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के लिए, झूठे वादे के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। जो महिलाओं की बात करता हो और उसके संसदीय क्षेत्र में भाजपा के लोग महिला के साथ बलात्कार करते हो, जहाँ पे योगी जी का बुलडोजर ध्वस्त हो जाता है और प्रधानमंत्री का जो है एक लफ्ज इस नेताओं के खिलाफ, इस रेपिस्टों के खिलाफ नहीं निकलता, क्योंकि इनकी पार्टी में रेपिस्ट बड़े हुए हैं। रविन्द्र को देख लीजिए, बिजभूषण को देख लीजिए, हाथरस में जो हुआ उसको देख लीजिए। बिजभूषण को अभी इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके लड़कों को टिकट दे के आप देश की जनता को क्या दिखा रहे हैं? क्या आप महिलाओं की रक्षा की बात कर सकते हैं? सबका साथ सबका विकास की बात कर सकते हैं? आप सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान की बात कर सकते हैं? आपका 2 करोड़ का रोजगार का जुमला ध्वस्त हो गया, आपका शिक्षा की बात ध्वस्त हो गई। जिस देश का प्रधानमंत्री 10 साल हुकूमत करने के बाद, 10 साल सरकार चलाने के बाद और उसके बाद फिर चुनाव आता है 2024, उसके बाद मंच पर जाता हो तो अपने 10 साल की उपलब्धि नहीं गिनाता। 10 साल बाद उसको नेहरू याद आते हैं, उसको राहुल याद आते हैं, उसको अखिलेश याद आते हैं, उसको पाकिस्तान याद आता है। बनारस में बदलाव हुआ है कि नहीं? आप बनारस देखिए, देश के बनारस के अंदर क्या बदलाव हुआ है? लाइट लगा दी गई है, रोड बना दी गई है, और रोड पूरी भी नहीं बनी है। आप बनारस के अंदर टहल लीजिए, रोड पूरी नहीं बनी है। बनारस के अंदर बदलाव कब होता है? जब इस शहर का सांसद, इस देश का जो प्रधानमंत्री है, अगर यहाँ पे वो एम्स लेके आता तो यहाँ का बदलाव होता, या इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आता तो यहाँ का बदलाव होता, या मेडिकल कॉलेज लेके आता यहाँ का बदलाव होता। यहाँ पे बदलाव नहीं, सिर्फ जुमला विकास हुआ है। किसकी सरकार है इस बार? साथियों, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं कमलाकांत प्रजापति समाजवादी गायक हूं। आज इंडिया गठबंधन को लेकर के गायक हैं तो दो लफ्ज में थोड़ा मैं सुना देता हूं। साथियों, आज हमारे वाराणसी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय राय जी हैं और इसी तरह कहीं कांग्रेस लड़ रही है तो कहीं समाजवादी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोग के बीच में एक गीत के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। आए तो भाई अधेरा घना है, रोशनी चाहिए, दर्द भी जो सके रागनी चाहिए, अपनी पोलिंग जो हंस के जिता दे इंडिया गठबंधन के लिए,
हौसले से भरा आदमी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, हमने देखा ना ऐसा अजय राय जैसा, पूरे देश में जीतेगी ललकार बन जा, बड़ी शानदार हमार बन जा। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, गीत के माध्यम से तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, पंजा बनारस में चापी बन, पंजाब बनारस में चापी, इंडिया गठबंधन सब पर भारी, अब की कमल का भी पानी देगा झाड़ बन जा, बड़ी शानदार हमार बन जा, बड़ी शानदार हमार साइकिल, किसा पा का झंडा भारत में लहरे, कांग्रेस का झंडा भारत में लहरे, हवा के झोंकों से नहीं झुकेगा नहीं रुकेगा किसी के रोके से, अखिल सया दो जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। डिंपल भाभी आने वाली है बनारस में आने वाली है, प्रियंका गांधी आने वाली है, नेता मेरे डट ही गए हैं, अजय राय जी डट ही गए हैं, समाजवादी के लोग डट ही गए हैं, बड़े ही मौके से नहीं झुकेगा नहीं रुकेगा किसी के रोके से, अखिल यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जय हिंद जय समाजवाद जय कांग्रेस। बढ़िया गांधी माहौल बना दी चाचा, आप तो माहौल बना दी एकदम, आप लोग का प्यार दुलार है, मोदी से लड़ाई होगा कि जीत जाएंगे। देखिए लड़ाई तो हमारी बहुत है, ये जीत सकते हैं बेईमानी से, लेकिन इस बार बेईमानी भी नहीं होने दिया जाएगा, अजय राज चुनाव जीतेंगे, यहाँ से मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम ये बोल रहे हैं कि ये भाजपा शासन में बहुत से बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, और भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारी, ये PHU की छात्रा, उसके साथ बलात्कार किया गया, और योगी आदित्यनाथ ने उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया, ये कैसा कानून है? किन महिलाएं किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं, किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं, आप क्या मांगे आप? सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर। अखिलेश भैया जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कहाँ से आई हैं? यहीं से हैं, बनारस से ही, काशी से जी। क्या माहौल है यहाँ? एकदम आप देख रहे हो माहौल क्या है, माहौल तो बना हुआ है, इन्होंने रोड शो करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, मांगा गया था मलरैया चौराहा तक, एक बराबर फिर एक एक नहीं बोली, क्योंकि आज योगी का प्रोग्राम है अस्थि हुए, जब इनको इतनी डर नहीं है बार बार क्यों सभा करें, उनको वापिस मोदी जी फिर आ रहे हैं, जब इनकी ज़मीन बनी हुई है तो फिर क्यों इतना प्रचार कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी ज़मीन कमज़ोर हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी दो दिन यहाँ के रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, फिर रैली पर रैली कर रहे हैं, रोड तो कर रहे हैं, फिर रैली कर रहे हैं, फिर उनको आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहाँ से बाबू? यही बनारस से, दलियाबाग से। बनारस कहाँ करने यहाँ आए? यहाँ आए देखने के लिए, मिलने के लिए। किसको? प्रियंका गांधी को। और ही किसको देखेंगे? और डिंपल यादव को। डिंपल यादव देखने आए हैं? देखने आए। मिलेंगे भी इंशाल्लाह? मिलेंगे, मिल जाएंगे तो। अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ाई करते? पढ़ाई नहीं करते, दुकान है, दुकान चलती है। क्या बस चुनाव का माहौल कुछ अंदाजा है? वोट करेंगे आप इस बार? हाँ करेंगे, वोट करेंगे, माहौल तो सही है, पर जीते तब ना बेईमानी ना करे, और का वोट तो सब लोग देगा इंशाल्लाह। जीतेंगे, जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। आप लोगों का मुद्दा उद्दा है कुछ? मुद्दा बस यही है कि सबको एक बराबर से देखे, भेद ना करे किसी में, भेद ना करे, है कि नहीं? आज हम 23 साल के हो गए हैं, लेकिन सब लोग बताते हैं, टीवी पे बताते हैं, न्यूज़ पे बताते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, कोई नहीं देखा मोदी जी को चाय बेचते हुए, लोग कहते हैं मोदी जी चाय बेचते थे, सब मान गए हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, चाय वाला उनको बोलते हैं। आज देश बिक रहा है, कोई को नहीं दिख रहा है, सब अंधभक्त बने हुए हैं, कोई को नहीं दिख रहा है, आज देश बिक रहा है, तो सब कहते हैं मोदी जी बचा लेंगे, मोदी जी बचा लेंगे, अरे कैसे बचाएंगे? आप खड़े हैं यहाँ पे रोड पे, हालत देखिए रोड की, आप इधर जाएंगे किधर भी जाएंगे, आप
खाली ये भाजपा की सरकार लूटने का काम कर रही है, हर तरफ से लूटने का काम कर रही है। लोगों को ये त्रस्त कर देती, त्रस्त करना चाहती है, एकदम इस तरह से त्रस्त करना चाहती है कि बस तानाशाही करें इन लोग और दूसरा कोई काम ना करें, बस पूरी तानाशाही रहनी चाहिए इन लोग की। मैं कह रहा था कि अगर एक लोकल नेता, अगर वो लोकल हमारा नेता रहेगा तो हमारे अंदर से हमारे जो भी परेशानी है, दुख है, उसको समझेगा। बाहरी नेता हमारे न दुख को समझेगा, न हमारे कष्ट को समझेगा, न हमारी परेशानी को समझेगा। बाहरी तो बाहर का देखेगा, लेकिन लोकल नेता अजय राय जी माननी, वो हमारे सुख दुख हर जगह वो हमारे साथ हैं और हम लोग भी उनके साथ तन मन धन से हैं। और इस बार भगवान चाहे तो अजय राय जी भारी मतों से चुनाव भी जीतेंगे और जो है सरकार भी बनेगी कांग्रेस की। जी बिल्कुल बनेगी, और एक सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, पक्का बन रही है। 5 लाख वोट से अजय राय जी जीत रहे हैं, 5 लाख मोदी जी खिलाफ लड़ाई है भाई। हाँ भाई, 5 लाख लेकर वोट आ रहे हैं, 6 लाख पार हो जाएगा अजय राय जी। मजा आया। एक बात ये जान लीजिए कि अजय राय जी को कोई रोक नहीं सकता, उसको परेशान कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। उसके जैसा नेता न भारत में था, न है, न रहेगा। जितना वो हमारे आपके लिए लड़ा वो कोई नहीं लड़ा। आज उसका समय, हम उनके साथ तन मन धन से हैं और चुनाव जीतेंगे। वो 4 लाख वोट से प्लस वोट से चुनाव जीत चुके हैं अजय राय जी। ये बनारस के लोग हैं जिनका कहना है कि इस बार अजय राय भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी होगी जीत और कौन हारेगा। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।